हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं अंकित गोयल। और स्टूडेंट्स, आज आप मेरे साथ स्टार्ट करेंगे अपना एक न्यू चैप्टर, पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड सिलेक्शन। देखिए, ये चैप्टर जो हम करने जा रहे हैं, ये हमारा इस पूरी बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। इस चैप्टर को करने के लिए मुझे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहले तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास कई सारे फॉर्मूले हैं जिनको हमें बहुत ही आराम से और ध्यान से समझना होगा, और प्रैक्टिस से ही हम उन फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। मैं आपको अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि फॉर्मूले कुछ बनाना भी सिखाऊंगा, कि जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं या हम जो फॉर्मूले पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे स्टैटिस्टिक्स वाले फॉर्मूलों को ही कंटिन्यू में बनाकर इन फॉर्मूलों को करा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना, स्टैट्स के अंदर जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं उन्हीं फॉर्मूले से यहाँ पर भी बहुत सारे फॉर्मूले बनाए गए हैं, तो हम उन्हीं की हेल्प से इसे करेंगे। और एक चीज हमें समझनी है कि पोर्टफोलियो एनालिसिस, पोर्टफोलियो क्या होता है? कोई भी कंपनी या कोई भी इन्वेस्टर अपना अपना एक पोर्टफोलियो बनाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी है एबीसी लिमिटेड। अब मेरी एबीसी लिमिटेड का अपना एक पोर्टफोलियो होगा कि जो भी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा उस इन्वेस्टमेंट का कुछ पार्ट जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं उसके ऊपर कुछ पार्ट पे रिटर्न चाहूंगा कम और कुछ पार्ट पर रिटर्न चाहूंगा ज्यादा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर, हम अपने कुछ इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न कम क्यों चाहेंगे? क्योंकि जिस रिटर्न को मैं कम डिजायर से इन्वेस्ट करता हूं वो मेरी रिस्क फ्री रिटर्न होती है, और जिस इन्वेस्टमेंट को मैं ज्यादा रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करता हूं वो मेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे कि अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं शेयर मार्केट में, तो मेरा जो पैसा होगा वो रिस्की होगा, उसके अप होने के चांसेस है तो डाउन होने के चांसेस भी हैं। लेकिन अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं बॉन्ड में, तो मेरे उसके ऊपर डाउन होने के चांसेस ऑलमोस्ट निल है। हम मान के चलते हैं कि कोई भी कंपनी के जो डिबेंचर्स हैं, या अगर मैं मनी को बैंक में इन्वेस्ट करता हूं तो उसके डाउन होने के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि जितना मैंने इन्वेस्ट किया है, हम लोगों ने अकाउंट्स में भी पढ़ा है, कंपनी में भी पढ़ा है, कॉरपोरेट में भी पढ़ा है, कि हम डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर रिडीम नहीं करते हैं, या तो एट पार होता है या एट प्रीमियम होता है। तो हमें यह पता है कि अगर मैंने आज 1 लाख रुपए की डिबेंचर्स खरीदे हैं तो या तो वो उससे ज्यादा में रिडीम हो गए या कम से कम 1 लाख में तो रिडीम होंगे, और हर साल उसके ऊपर कुछ रिटर्न आ जाएगा इंटरेस्ट के रूप में। तो मुझे ये भी जानना है कि क्योंकि वो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं होता तो मेरा एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है, ये मेरा पोर्टफोलियो होता है। क्योंकि मैं सारा का सारा पैसा कभी भी किस पर नहीं लगाता हूं, कभी भी मैं नहीं लगाता हूं रिस्क के ऊपर, क्योंकि अगर ज्यादा रिस्क होगा और डाउन आ गई वो चीज, या फिर वो चीज मार्केट में बहुत क्राइसिस के कारण कम हो गई, तो मेरी इन्वेस्टमेंट भी डूब जाएगी। तो ये जो हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस इन्वेस्टमेंट के एक प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो। सेकेंड चीज, जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है उसके ऊपर जो रिस्क है वो रिस्क भी हमें सिलेक्ट करना होता है। रिस्क किस चीज का है? कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर जो रिस्क क्रिएट हो रहा है वो मेरी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है या कम है। इन सभी चीज को जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसे कहते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस। ये एक कंपनी भी कर सकती है और ये एक इन्वेस्टर भी कर सकता है। क्लियर हो गया होगा? देखिए, मैंने अब आपको जो स्टार्ट करने जा रहा हूं उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा अपने अकॉर्डिंग पहले कुछ फॉर्मूलेस, उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिर मैं आपको पहले कुछ फॉर्मूले बता देता हूं ताकि फिर हम इसके आगे इसको कर सके। तो मेरा टॉपिक है पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड सिलेक्शन। ये हमारा आज का टॉपिक है, पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड सिलेक्शन।
चलिए, इसके अंदर मुझे क्या क्या चीज चाहिए होती है, पहले थोड़े बेसिक सी चीज मैं आपको बता देता हूं। हमने पहले मैंने बता रहा हूं, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में कराऊंगा ताकि आपको फॉर्मूले जल्दी याद हो जाएं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मीन की। आपने एक फॉर्मूला याद है, आपने किया होगा, सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू। डब्ल्यू होता था मेरा वेट, या फिर मैं अगर कह दूं सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एक्स। इन दोनों का मतलब मेरे लिए सेम है। हमने यहां पर थोड़ा सा इसका यूज ज्यादा करना होता है, बात एक ही है। यहां पर जो हम सिग्मा एक्स नहीं होता, सॉरी सिग्मा एफ होता है। यहां पर जो है मेरा W को ही हम अपना वेट कहते थे, और यहां पर हमारा फ्रीक्वेंसी ही क्या हो जाता है, एक तरीके से वेट हो जाता है। तो ये जो W है ये सेम होता है और ये फ्रीक्वेंसी सेम होता है, दोनों का मतलब कहीं ना कहीं N को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? तो हम लोगों ने यहां पर जो फॉर्मूला यूज करना है वो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अभी फॉर्मूला कैसे यूज होगा वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आपने एक फॉर्मूला यूज करना है यहां पर कोवेरियंस का। कोवेरियंस का वैसे फॉर्मूला क्या होता है जरा वो मैं आपको बता देता हूं, जो आपने कभी पढ़ा है मैं उसको बता रहा हूं। सिग्मा स्मॉल एक्स वाई अपॉन में एन, ये एक फॉर्मूला कभी आपने पढ़ा है। और स्मॉल एक्स का मतलब होता है एक्स माइनस एक्स मीन, और स्मॉल वाई का मतलब होता है वाई माइनस वाई मीन। देखिए आपके कॉलेजेस में मुझे नहीं पता आपको कैसे पढ़ाया गया है, लेकिन अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं सिर्फ आपको रट्टा नहीं लगवाऊंगा, मैं आपको कुछ चीजें सिखाऊंगा भी जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है उसी के इंटर रिलेटेड। इसके बाद एक हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या हमें पढ़ना है यहां पर, हमने जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है एफ स्मॉल एक्स स्क्वेयर अपॉन में एन। एफ या सिग्मा एफ एक्स स्क्वेयर अपॉन में एन, और फिर एक्स का मतलब है एक्स माइनस एक्स मीन। देखिए जो मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं ये आपके यहां पर काम आने हैं, तो ध्यान से समझेंगे हम इन्हें। और एक फॉर्मूला हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स मीन, क्योंकि मैंने बता दिया है स्मॉल एक्स का मतलब होता है एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर अपॉन में एन, और इस पूरे का अंडर रूट। याद रखना यहां पर एक चीज, सिग्मा एफ ही मेरा क्या होता है एन। मैंने ऊपर भी बोल दिया है ये बात यहां पर भी कि जो एफ होता है वही मेरा एन होता है। यहां पे भी लिख देता हूं सिग्मा एफ ही मेरा क्या होता है एन होता है। क्लियर है? अब देखिए जो मैंने आपको चार फॉर्मूले बताए हैं ये आप जरूर पहले कॉपी कर ले, अपनी नोट डाउन कर ले मेरे साथ साथ इन्हें, और आमने सामने वाले पेज पे करना। आमने सामने वाले पेज पर देखो जो मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा उसको मेरे साथ फॉलो करना, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझा दूंगा। ये जो मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं आपको बहुत सारे फॉर्मूलों की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपने रट्टा मारे हैं। ये सारे फॉर्मूले मैंने वो लिखे हैं जो आपने पढ़ लिए हैं। एक याद रखना, एक हमारा होता था आर, आर को कहते थे हम लोग अपना कोरिलेशन, और कोरिलेशन का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। एनी रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड कोरिलेशन। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और हमने ये भी पढ़ा है कि कोरिलेशन का आंसर -1 to 1 के बीच में रहता है। याद रखना -1 to 1 के बीच में रहता है। इस चैप्टर में बहुत यूज आएगा ये कोरिलेशन, बहुत बहुत यूज आएगा। आमने सामने पेज का मतलब आप समझ गए हैं, एक पेज ये है तो बिल्कुल उसके सामने मैं इसको पोर्टफोलियो के फॉर्मूले बना के लिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। मेरे पास तो कैमरे के अंदर एक यहां लिखूंगा एक नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा, आपने जो है वो आमने सामने लिखने हैं। अब आगे चलते हैं, एक कोवेरियंस।
कोवेरियंस का मतलब हम जानते थे कि जब हम एवरेज लेते हैं किसी भी फंक्शन के, किसी भी दो फंक्शन का एवरेज लेते हैं और उस फंक्शंस की भी एवरेज निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कोवेरियंस। तो जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये वाला फॉर्मूला लिखा है और ये फॉर्मूला मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से देखेंगे, एक्स माइनस एक्स मीन वाई माइनस वाई मीन होता है ये वाला। तो मैं यहां पे अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं सिग्मा एक्स माइनस एक्स मीन और वाई माइनस वाई मीन और अपॉन में एन। समझ में आ रहा होगा जो मैं लिख रहा हूं। और अब के लिए एक मैं और फॉर्मूला लिख रहा हूं आर का। आर होता है कोरिलेशन, आर होता है कोरिलेशन। तो याद रखना कोरिलेशन का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कभी, वो होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में, क्योंकि हमेशा दो रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये सारे के सारे फॉर्मूले पढ़े हैं मैंने स्टैट्स में। देखो मुझे हो सकता है आप बोर हो रहे हो कि सर ये पढ़ा क्यों रहे हो, तो बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका रिलेशन है आगे के साथ, तो इसीलिए बता रहा हूं। अब समझ लेना मैं क्यों बता रहा था। ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं आप भी एक पेज पर जरूर लिख ले आमने सामने, ये सारे फॉर्मूले, और इसको रीड करेंगे। फॉर्मूला मैंने पहले ही मार्क कर दिया, मुझे ये फॉर्मूला काम आएगा। चलिए ये सारे फॉर्मूले हमारे काम आने इसलिए मैंने लिखे हैं। देखिए अब यहां पर एक एक करके हम जरा उन फॉर्मूलों को पोर्टफोलियो फॉर्मूलों में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं बनाऊंगा इसको पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग। पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग देखिए पोर्टफोलियो में क्या करेंगे, जरा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले यहां पर आपको निकालनी होती है एवरेज, जिसको हम रिटर्न बोल देते हैं, जिसको हम रिटर्न बोल देते हैं, और रिटर्न को हम लिख देते हैं आर के ऊपर बार। उसको एक्स के ऊपर बार बोलते थे, इसको आर के ऊपर बार बोलते हैं। यहां पर हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं आर वन डब्ल्यू वन प्लस आर टू डब्ल्यू टू अपॉन में डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू। ये आपने याद होगा एक फॉर्मूला जो मैं यहां पे बात करूं, मैंने आपको बोला था हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम, एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। इस एफ का क्या मतलब हो गया, इस एफ का मतलब हो गया टोटल फ्रीक्वेंसी। अगर मेरे पास दो सीरीज गिवन है एफ वन और एफ टू, दोनों को ऐड कर दिया, यहां पर मैंने डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू को ऐड कर दिया, सेकंड एफ वन एक्स वन प्लस एफ टू एक्स टू को टोटल कर देते हैं तो यहां पर वही बन जाएगा आर वन डब्ल्यू वन प्लस आर टू डब्ल्यू टू। डब्ल्यू का मतलब यहां पर है वेट, याद रखना डब्ल्यू का क्या मतलब है वेट। और वेट आपको जो गिवन होगा सम ऑफ वेट, वो मैं आपको बता देता हूं, वेट वन प्लस वेट टू, ये मुझे गिवन होगा हमेशा वन, क्योंकि परसेंटेज में होता है और इसका परसेंटेज हमेशा हंड्रेड दे रखा होगा आपके एग्जाम में। या फिर आपको यहां पर एक फॉर्मूला और आपको दे देते हैं, वो आर के लिए वो हो जाता है आर वन पी वन प्लस आर टू पी टू अपॉन में पी वन प्लस पी टू। इस P का क्या मतलब है, P का मतलब है प्रोबेबिलिटी, P का मतलब है प्रोबेबिलिटी। आप ये लिखते रहे मेरे साथ जो मैं बोल रहा हूं, और प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया P1 प्लस P2 भी मुझे क्या गिवन होगा, वन ही गिवन होगा। अल्टीमेटली P1 हो या W हो दोनों का सम होगा वन। तो अब ये आप खुद देखो, अगर यहां पर इन दोनों का सम वन है और इन दोनों का सम वन है तो क्या ये लिखने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। फॉर्मूला ये स्टैट्स का ही है जो ये वाला फॉर्मूला होता है, या फिर जो हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू। डब्ल्यू को ऐड कर दिया है और सिग्मा एफ डब्ल्यू का मल्टीप्लिकेशन को ऐड कर दिया है। यहां पर सम लगा दिया है या डब्ल्यू लगा दिया है, यहां पर मैंने सम नहीं किया है तो अलग अलग लिख दिया, एक ही बात है। क्लियर हो गया है। चलिए तो मेरा इसका मतलब जो आर का जो हम बात करेंगे यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन में ही रिटर्न की, आर की बात करेंगे या रिटर्न की बात करेंगे, आर के ऊपर डैश मतलब
आर का मीन हो गया, ये मीन ऑफ आर वो हो जाएगा आर वन डब्ल्यू वन प्लस आर टू डब्ल्यू टू। ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो वन होगा, या फिर और मैं कह सकता हूं आर वन पी वन प्लस आर टू पी टू, ये भी रिटर्न का ही फॉर्मूला बन गया है, मेरा रिटर्न तो इससे निकल जाएगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अपने चलते हैं सेकंड फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूले बनाने सीख गए तो कम से कम पहले 15 क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे आपके। अब हम आगे चलते हैं और फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे इससे आपको। मैंने आपको सेकंड फॉर्मूला लिखवाया था इसके बाद कोवेरियंस का। कोवेरियंस के लिए देखिए मैंने आपको दो फॉर्मूले लिखवाए हैं, जरा मैं दोनों लिख देता हूं। मैंने कोवेरियंस लिखा है सिग्मा स्मॉल एक्स वाई अपॉन में एन और यहां लिखा है सिग्मा एक्स माइनस एक्स मीन वाई माइनस वाई मीन अपॉन में एन। ये दो फॉर्मूले लिखे हैं मैंने कोवेरियंस के। इसके बाद एक चीज और, कोवेरियंस का और एक यूज मैंने आपको बताया है कोरिलेशन में। आर होता है कोवेरियंस अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये एक्स वाई का हमने निकाला है, ठीक है। ये हमारे कोवेरियंस मेन इन तीन जगह यूज होते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये दोनों का मतलब तो बिल्कुल एक ही है क्योंकि स्मॉल एक्स का मतलब मैंने बताया है, स्मॉल एक्स का मतलब होता है एक्स माइनस एक्स मीन और स्मॉल वाई का मतलब होता है वाई माइनस वाई मीन। तो मैं आपको यही बताने जा रहा हूं, आपको यहां पर कोवेरियंस निकालने के लिए बोला जाएगा। तो कोवेरियंस आप कैसे निकालेंगे, कोवेरियंस ऑफ ए बी हम बात करेंगे, वो आपने निकालना है समीशन एक्स। यहां पर एक्स जो है वो एक टर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो हम लिखेंगे रिटर्न ऑफ ए माइनस एवरेज रिटर्न ऑफ ए। समझ में आ गया, एक्स माइनस एक्स मीन। यहां पर एक्स जो है वो आर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो मीन है वो आर के मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों का ए सीरीज है। ऐसे ही यहां पे है वाई और यहां पर हम इसे लिखेंगे आर बी माइनस रिटर्न बी का मीन अपॉन में एन है तो एन रहने दो, अपॉन में एन है तो एन रहने दो। और याद रखना यहां पर भी हो सकता है एन मेरा वन ही हो तो एन हट जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है तो मैंने इसलिए एन को एन रहने दिया। क्लियर हो गया है, ये मेरा फॉर्मूला बन गया इसको देखकर। अब बच गई इसकी बात, अब ये क्या है, ये तो मेरा बन गया इससे। याद रखना यही आपको फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। नाम यहां पर वो अर्निंग भी लिख देते हैं, वो ई ए रिटर्न लिख देते हैं, ई का मतलब अर्निंग हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहीं पर है। जब क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर कर दूंगा, अभी मैं सिर्फ फॉर्मूले बनाना सिखा रहा हूं क्योंकि फॉर्मूले बनाना सिखा दिया तो मेरे लिए ये चैप्टर कराना आसान हो जाएगा, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक है। अगर कोई बोर हो रहा है तो फिर क्या किया जा सकता है, ठीक है ना। चलो वैसे तो मुझे पता है बोर नहीं हो रहे, आप समझ रहे होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, क्योंकि फॉर्मूले है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। अब आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं यहां पर। अब यहां पर क्या हो जाएगा, आर आर कहते हैं कोरिलेशन को, कोरिलेशन। और यहां पर एफओआई के अंदर इस आर को या इस कोरिलेशन को हम लिखते हैं पी ए बी। इस ए बी का मतलब है कि कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो वी हैव टू वेरिएबल्स एज एज बी, तो मेरे पास ये हो गया कोरिलेशन ए बी का, ठीक है। तो अब मैं अपने कोरिलेशन को पी ए बी कहूंगा, याद रखना इसे पी ए बी कह देते हैं। तो मैं इस फॉर्मूले को लिख लू एक बारी, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए बी इज इक्वल टू को वेरियंस ऑफ ए बी अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। ये फॉर्मूला बेटा मैंने नया नहीं लिखा, ये आपने पढ़ा हुआ फॉर्मूला है, याद रखना बहुत पढ़ा है आपने ये फॉर्मूला। अब इसके आगे चलते हैं, इसका मतलब कोवेरियंस क्या हो गया,
कोवेरियंस हो गया ए बी का, इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा पी ए बी, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, ये मेरा कोवेरियंस आ गया। समझ में आ गया है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने लिखा है आपको, पहले पहले ही आपको दिखा दूंगा, पहले 3 4 5 क्वेश्चन में ये फॉर्मूले यूज होते हुए जो मैं आपको बनाने सिखा रहा हूं, कोई नहीं बताएगा आपको ये बनाने, गारंटी लिख के दूंगा, किसी ने नहीं बताए होंगे ऐसे फॉर्मूले आपको जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था फॉर्मूला नंबर अपना नेक्स्ट, ये वाला फॉर्मूला, ये वैसे तो आपने रिस्क चैप्टर में पढ़ लिया है। देखो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था स्टैंडर्ड एविएशन के अंदर, ये वाला स्टैंडर्ड एविएशन चैप्टर में आपने पढ़ लिया है, जिसके अंदर आपने अपनी बुक का रिस्क एंड रिस्क चैप्टर पढ़ा है। मैं आपको बता देता हूं त्रिपाठी के अंदर कौन सा चैप्टर है रिस्क वाला, रिस्क एंड रिटर्न चैप्टर नंबर थर्ड आपने ये पढ़ा है, रिस्क एंड रिटर्न। ठीक है, चैप्टर नंबर थर्ड के अंदर आपने पढ़ा है रिस्क एंड रिटर्न, उसके अंदर आपने फॉर्मूले सीखे होंगे। मैं आपको एक बार बता रहा हूं कि उसके अंदर भी ये फॉर्मूले कैसे बने हैं वो भी समझ लो, तो आपको थोड़ा सा हो सकता है और थोड़ा सा मदद मिल जाए या और इजी हो जाए। देखिए अब जरा नेक्स्ट देखते हैं, मैंने आपको बताया था नेक्स्ट फॉर्मूला है मेरे पास यहां पर। देखिए ये तो मेरा कॉरिलेशन आ गया, कॉरिलेशन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, कोवेरियंस के लिए कर सकता हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी सबके लिए कर सकता हूं। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है एस डी, और आप पढ़ चुके हैं एस डी कहते हैं हमारे रिस्क को, किसको कहते हैं रिस्क को। आपने रिस्क का फॉर्मूला पढ़ा था आपको याद होगा, पहले मैं पढ़ता रहा हूं स्टैट्स वाला, फिर बताऊंगा पोर्टफोलियो वाला, और दोनों को आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आप सभी ने पढ़ा है सिग्मा एफ एक्स स्क्वेयर अपॉन में एन, और मैंने बताया था ये जो एक्स होता है इसका मतलब होता है एक्स माइनस एक्स मीन, स्मॉल एक्स का मतलब होता है ये, एक्स माइनस एक्स मीन क्या होता है स्मॉल एक्स होता है। तो मैंने लिख दिया था इसको एफ ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन में एन। ये तो हुआ स्टैट्स की बात, अब मैं बता रहा हूं पोर्टफोलियो की बात। यहां पे देखेंगे, यहां पर हम लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो पी, ठीक है, इसे हम रिस्क भी लिखते हैं, और मैं सिखा रहा हूं पोर्टफोलियो के लिए, मैं सिखा रहा हूं पोर्टफोलियो के लिए। तो पोर्टफोलियो के लिए क्या सिखाऊंगा जरा वो देखेंगे, पोर्टफोलियो के लिए जब मैं सिखाऊंगा तो यहां पर आपने जो सीखा था फॉर्मूला वो कुछ ऐसे सीखा था, पी फॉर प्रोबेबिलिटी यहां पर है, या फिर इसे आप डब्ल्यू भी कहते थे, यहां पर पी भी कहते थे और डब्ल्यू भी कहते थे, और करते थे रिटर्न ऑफ ए माइनस रिटर्न ऑफ ए का मीन का होल स्क्वायर। कुछ याद आया आपने जो रिस्क में चैप्टर, आप अगर आपने अभी याद नहीं आया तो अपने रिस्क को दोबारा खोल के देखो आपको याद आ जाएगा। पी कहते थे हम अपने प्रोबेबिलिटी को, और यहां पे लिखते थे रिटर्न ऑफ ए माइनस एवरेज रिटर्न का स्क्वेयर होल स्क्वेयर। समझ में आ गया? अब इस वाले फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले में डिफरेंस समझो, मैंने क्या बताया था जो हमारा पी होता है, पी का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना आता है एन, प्रोबेबिलिटी का 1 आता है टोटल, तो मेरे पास इस पी के अपॉन में अगर मैं प्रोबेबिलिटी का टोटल कर दूंगा या एन लिख दूंगा तो वो तो 1 ही आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर एफ है और यहां पर प्रोबेबिलिटी है, दोनों का मतलब एक मैंने अभी बता दिया है। ये जो आर ए है इसको हम एक्स की तरह ट्रीट करते हैं, और ये उसका मीन हो गया। तो देखो फॉर्मूला यही तो आपने पढ़ा है, और ये तो आपने स्टैट्स में पढ़ा है, पढ़ ही चुके हैं आप, 11th में आपने पढ़ लिया है, कॉलेज में आपने जरूर पढ़ लिया है, प्रोग्राम या ऑनर्स और स्टैट्स अगर आपने करी है तो आपने जरूर पढ़ा है। समझ में आ गया है? तो ये फॉर्मूला उसी से बना है, तो इसीलिए कह रहा था जो मैं स्टैट्स में सिखाऊंगा वो मैं आपको पोर्टफोलियो में सिखा दूंगा। अब इसका अपना एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करते हैं, एक तो ये सिखा दिया है क्लियर हो गया, अब आगे चलते हैं। किसी को कोई डाउट हो किसी फॉर्मूले में तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप करें या कॉल करें पूछ सकते हैं, कॉल आप मुझे रात को 11 बजे के बाद नहीं करेंगे, बस ये याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं, ये है मेरे पास नेक्स्ट
स्टैंडर्ड एविएशन, जिसको हम अपना रिस्क कहते हैं. क्या कहते हैं? रिस्क. वो क्या है? यहां पर अगर हम देखें तो एक फॉर्मूला मैं सिखा रहा हूं आपको रिस्क का. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ये पोर्टफोलियो के लिए सिखा रहा हूं मैं, ये पोर्टफोलियो के लिए ही है. वो क्या हो जाएगा अगर हम बात करेंगे तो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर वेट ए का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर वेट बी का स्क्वायर प्लस टू इंटू में वेट ए वेट बी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी एंड कॉरिलेशन ऑफ ए बी. ये मेरा फॉर्मूला होता है रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो का. जो पहले वाला फॉर्मूला लिखा था वो हमने लिखा था एक सीरीज के लिए, और यहां पर हम जो लिख रहे हैं ये लिख रहे हैं हम ग्रुपिंग के लिए. समझ में आ गया है? यहां हम लिख रहे हैं ग्रुपिंग के लिए. तो ये फॉर्मूला आपने जरूर याद रखना है. और इसी फॉर्मूले को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं, क्योंकि वो यूज हो जाता है इसलिए वो भी बता रहा हूं. यहां क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर वेट ए का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर वेट बी का स्क्वायर प्लस टू इंटू वेट ए वेट बी. और ये पूरा का पूरा फंक्शन, जो ये वाला पूरा का पूरा फंक्शन है, ये क्या बताया था मैंने, देखो एक बार जरा दोबारे, इसे बताया था कोवेरियंस. यहां देखेंगे कोवेरियंस क्या होता है? कोरिलेशन ऑफ ए बी या कोरिलेशन इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी. आ गया समझ में? ये मैंने इसीलिए बताया था और ये यहां पर हमें अप्लाई भी करना होता है. ये देखो कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय कोवेरियंस. सीओवी का मतलब होता है कोवेरियंस ऑफ ए बी. ये फॉर्मूला मेरा हो गया रिस्क के दो फॉर्मूले. क्लियर हो गया है? जैसे जैसे मैंने लिखे हैं आप एक बार वैसे वैसे जरूर लिख लें. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? मेरे हिसाब से अभी जो हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं उनके लिए इतने फॉर्मूले इनफ हैं. अब मैं आपको इसके आगे का टॉपिक करा रहा हूं, इसके आगे के अब कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको समझ आएगा कि वो हम कैसे करते हैं. बीच में किसी और फॉर्मूले की जरूरत होगी तो मैं लिखवा दूंगा. ठीक है, आप एक पेज और छोड़ दे चाहे जिसमें मैं आपको और फॉर्मूले लिखवा दूंगा आगे के, लेकिन क्वेश्चन पहले कराऊंगा. पेज छोड़ दे आप, वहीं पे कंटिन्यूटी में लिख लेना ताकि आपको एक जगह सारे फॉर्मूले मिल जाएं. क्लियर है? चलिए अब पढ़ते हैं हम आगे. और ये बेटा लिखे बिना याद नहीं होंगे, बता रहा हूं. आपने चाहे कभी भी पढ़े हो, लिखोगे तभी याद होंगे, तभी समझ में आएगा. अब शुरू करते हैं अपना फर्स्ट. आपकी बुक के अंदर जो पेज नंबर 341 है उसका फर्स्ट प्रॉब्लम नंबर से शुरू कर रहा हूं मैं. यहां पर ये देखेंगे, यहां पर है प्रॉब्लम नंबर 1 और ये पेज नंबर 341. चलिए क्या कहता है जरा क्वेश्चन वो देखते हैं. प्रॉब्लम, एन इन्वेस्टर हैज 78% ऑफ हिज फंड्स इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी ए एंड 22% इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी बी. ये जो परसेंटेज में दे रखा है दैट इज योर वेट. ये क्या है? मेरे पास वेट गिवन है. अब हम आगे चलते हैं. द रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न डाटा इज गिवन बिलो. ये रिस्क दे रखा है और ये उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखा है. और यहां देखेंगे कोवेरियंस भी मुझे दे रखा है, कोवेरियंस भी मुझे दे रखा है 0.43. अब हमें करना क्या है? व्हाट इज द पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क रिस्पेक्टिवली. अब जरा यहां पे देखते हैं. अब जो मैंने फॉर्मूले बनाए थे एक बार जरा फॉर्मूले पे दोबारे चलते हैं. यहां देखो जरा, ये तो मैंने बताए थे स्टैट्स के सारे फॉर्मूले, अभी इसकी जरूरत नहीं है, पोर्टफोलियो वाले पे आते हैं. ये देखो, ये मैंने बताया है रिटर्न, ये बता दिया है. रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है? R1W1 प्लस R2W2. और मैंने बताया था W1 प्लस W2 का टोटल कितना हो जाएगा 1, वो मैंने पहले यहां पे देखो ऊपर लिख दिया, ये लिख दिया. समझ में आ गया है? चलिए, एक तो ये वाला फॉर्मूला लग गया, इसका मतलब मुझे यहां पर ये वाला करना है. W1 प्लस W2 का टोटल 1 आएगा, ये भी मुझे पता है. और मुझे निकालना है रिस्क, क्योंकि यहां पर दो सीरीज दे रखी है तो रिस्क निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? ये चाहिए. और
कोवेरियंस गिवन है तो कोवेरियंस का वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला नहीं लगाएंगे, क्योंकि कॉरिलेशन गिवन नहीं है। अगर कॉरिलेशन होता तो ये लगाता, अगर कॉरिलेशन नहीं है तो ये लगाऊंगा। सीधी सी बात है, यही पहचान है क्वेश्चन को करने की। ठीक है, समझ में आ गया होगा, और शायद अब आपको ये लग भी गया होगा कि मेरे को ये फॉर्मूले मैंने आपको क्यों लिखवाए हैं। समझ में आ गया, चलिए क्वेश्चन करें। तो क्वेश्चन कर रहे हैं 9.1, मैंने सीधा प्रॉब्लम्स ही उठाई और मैं प्रॉब्लम्स ही कराऊंगा, और जितना करा रहा हूं गारंटी लूंगा, जितना करा रहा हूं पेपर में आपको उसके बाहर नहीं आएगा। तो मैं डाटा लिख लू एक बारी, मेरे पास है W A और W B, वेट पहले का दे रखा है 0.78 और दूसरे का दे रखा है 0.22, क्योंकि वेट है परसेंटेज में, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, टोटल आ गया 1। मैंने पहले ही बताया था ये मैंडेटरी है। अब इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, ये तो वेट आ गया। इसके बाद क्या है मेरे पास, अगर मैं बात करता हूं एक्सपेक्टेड रिटर्न, कंपनी का जो दे रखा है मुझे आर ए और आर बी, वो मुझे क्वेश्चन में दे रखा है एक्सपेक्टेड रिटर्न 9.82 और 14.97, वो मैंने एज इट इज लिख लिया है। ये मेरे पास आ गया वेट, ये वेट है, और ये मेरे पास आ गया कंपनीज रिटर्न, ये रिटर्न दे रखा है, ये मार्केट रिटर्न दे रखा है, मार्केट रिटर्न दे रखा है, ठीक है, रिटर्न दे रखा है, या आर कहते हैं हम इसे। बस मुझे क्या चाहिए है, मुझे चाहिए है एज पर दी क्वेश्चन, मुझे चाहिए था W लिखेंगे 0.78, 0.22, और यहां लिखेंगे R है मेरे पास 0.0982 और 0.1497। देखो मैंने यहां पर ये भी परसेंटेज में होता है क्योंकि, तो मैंने इसको भी पॉइंट्स में लिख लिया। और मुझे चाहिए क्या होता है, मुझे चाहिए होता है R इंटू W, मैंने पहले ही बताया था R W करना होता है इसका टोटल। देखो इसको मैं FX के तरीके से बता रहा हूं, जो हमने स्टैट्स में F इंटू X करते थे, और इसी को पोर्टफोलियो से भी बताऊंगा, पहले क्वेश्चन को, सिर्फ पहले क्वेश्चन को, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपकी बुक में कई जगह ऐसे कर रखा और कई जगह आपको कुछ, जैसे मैंने फॉर्मूला बनाया ना वर्टिकली, कुछ आपको आपको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली दोनों से आपको पता होना आना चाहिए, आपको दोनों फॉर्मूले बुक में दे रखे हैं। तो यहां पे हम देखेंगे, पहले जरा मल्टीप्लाई करते हैं हम 0.78, कैलकुलेटर आप सभी के पास है, 0.78 मल्टीप्लाई बाय 0.0982, तो ये आ गया 0.0765, यहां लिख लेते हैं 0.0765 96 आ गया, और सेकंड है 0.22 इनटू में 0.1497, तो ये आ गया 0.0329, 0.0329 34, ये आ गया मेरे पास। इसका टोटल अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 0.076596, तो ये आ गया 0.10953। ठीक है, मुझे क्योंकि किस में चाहिए, ये मुझे चाहिए होता है परसेंटेज में, तो मेरी एवरेज रिटर्न वो कितनी आ जाएगी, 0.10953 इंटू में 100 कर दूंगा तो वो हो जाएगा 10.953। ये जो मैंने सॉल्व किया है ये स्टैटिस्टिकली सॉल्व किया है, जैसे आप स्टैट्स में करते थे। और अब मैंने जो फॉर्मूला पोर्टफोलियो में बनाया है, अगर मैं बात करूं पोर्टफोलियो वाला फॉर्मूला, वो मैंने बनाया है ये वाला फॉर्मूला। अब मैं एक बार सेम आपको इससे भी बता रहा हूं, ताकि आपको एक बार श्योरिटी हो जाए कि हम ये वाला तरीका भी कर सकते हैं और मतलब एक ही है। अब मैं बता रहा था आपको निकालने के लिए वेट वन आर वन प्लस वेट टू आर टू, चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा 0.78 मल्टीप्लाई बाय 0.0982 प्लस 0.22 मल्टीप्लाई बाय 0.1497, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 0.076596 प्लस 0.032934, टोटल आ जाएगा 0.10953 इंटू में 100 कर दूंगा तो 10.953, ये क्या हो गया, मेरा रिटर्न आ गया परसेंटेज में। क्या कोई डिफरेंस है क्या, दोनों एक ही तो हैं। इसीलिए तो मैंने कहा था कि अल्टीमेटली करना हमें स्टैट्स ही है, हमें हमें कोई पोर्टफोलियो के अंदर अलग नहीं करना होता, स्टैटिस्टिक्स को ही अगर मैं
सिर्फ एक कंपनी के ऊपर अप्लाई कर देता हूं तो कहीं ना कहीं वो पोर्टफोलियो का आउटकम दे देता है या हमें रिजल्ट बता देता है, तभी तो स्टैट्स इतनी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये मेरा सबसे पहले मैंने क्या बता दिया आपको, रिटर्न बता दिया है कि हमारा रिटर्न कितना आया है। अब हम बात करेंगे किसकी, रिस्क की। रिस्क के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, अगर ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मेरे पास कोवेरियंस होगा तो ये लगाऊंगा, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन होगा और कोरिलेशन होगा तो ये लगाऊंगा। ठीक है, चलिए मेरे को कोवेरियंस दे रखा है तो ये वाला लगाना है, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम अपना। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम अपना रिस्क कहते हैं, वो हो जाएगा अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर वेट ए का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर वेट बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ए वेट बी और कोवेरियंस ऑफ ए बी। ये मेरा फॉर्मूला है, चलिए देखते हैं। मुझे देखिए क्वेश्चन में दे रखा है, अगर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की तो मुझे यहां पर दे रखा है रिस्क 16.32 और 32.86, ये परसेंटेज में है तो ये मुझे आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो हम कैसे लिखेंगे, 16.32 परसेंटेज में है तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 16.32 का स्क्वेयर। अच्छा बुक में ना आपको ये पॉइंट में दे रखा है, 0.1632 दे रखा है, आप तो पॉइंट में लिखना है पॉइंट में लिख लो, ऐसे लिखना है ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लें या पॉइंट में लिख लें। और वेट दे रखा है पहले वाले का 0.78 का स्क्वेयर प्लस। अच्छा बुक में ना क्या कर देते हैं, इस अंडर रूट को लगाने के बदले इसको स्क्वेयर कर देते हैं, तो कोई बात नहीं, आप स्क्वेयर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, मैं अंडर रूट लगा के कर रहा हूं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बात तो एक ही है, इतने तो आप जरूर समझदार हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है 32.86 का होल स्क्वायर और वेट भी है 0.22 का स्क्वायर। नेक्स्ट है प्लस 2 इंटू वेट, मतलब 0.78 और 0.22, समझ में आ गया। और कोवेरियंस आपको दे रखा है 0.43, ये सारा डाटा मुझे गिवन है, वो आपको समझ में आ गया होगा, इस पूरे का अंडर रूट कर दिया। देखिए वैसे तो आप सारे कॉलेज के बच्चे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसकी कैलकुलेशन आगे करके दिखाने की जरूरत नहीं है, एक बार एक क्वेश्चन में तो मैं जरूर करूंगा, तो आपको बता देता हूं क्या करते हैं हम लोग, 16.32 स्क्वेयर करना है तो इनटू इक्वल टू कर दो, स्क्वेयर आ जाएगा, एक बार समझ लेना कैसे, यहां पर बता देता हूं मैं। सिक्सटीन पॉइंट थ्री टू है, स्क्वेयर निकालने के लिए मल्टीप्लाई इक्वल टू कर देते हैं तो आ जाएगा 266 पॉइंट, ये हो गया 266.3424 और इंटू में कर देंगे 0.78 इंटू इंटू इक्वल टू तो आ गया 0.6084, 0.6084 प्लस। नेक्स्ट है 0.32.86 इंटू इक्वल टू क्या, तो आ गया 1097.7796 और इंटू में कर दिया कितना 0.22 का स्क्वायर, 0.22 इंटू इक्वल टू तो आ गया 0.0484 और लास्ट में प्लस कर दिया, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार में तो वो कितना हो जाएगा, वो नंबर है मेरे पास 2 इंटू 0.78 इंटू में 0.22 इंटू में 0.43 तो ये आ गया 0.147576, 0.147576 और इस पूरे का अंडर रूट कर दिया। अब इसके बाद देखेंगे, देखिए हो सकता है, मुझे तो उम्मीद है कि आपको कैलकुलेटर में इन इन बटन का यूज करना आता होगा, अगर किसी को इनका यूज करना आता है तो वेरी गुड, और अगर आपको इन बटन का यूज करना नहीं आता है तो आज सीख ले, मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, और क्या यूज और क्या फायदा जरा वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए
इसका यूज है और क्या फायदा क्या है जरा वो समझेंगे हम। अरे यार लाइट पड़ रही है क्या? चलो ठीक है, यहां पे दिखाता हूं मैं आपको। अब हम क्या करते हैं, सेटिंग यहाँ पे हो गई, दिख रहा है स्क्रीन। चलिए सबसे पहला ऊपर नंबर दे रखा है मुझे 266.3424, ये नंबर 3424 ये नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.6084 से। उसके बाद कॉन्टिन्यूटी में सेकंड डिजिट है, कॉन्टिन्यूटी में थर्ड डिजिट है। तो हम क्या करते हैं इसके बाद, ये होता है मेमोरी ऐड, यहां पे नीचे करके थोड़ा दिखा देता हूं, ये होता है मेमोरी ऐड। मैंने नंबर लिखा, मल्टीप्लाई किया और इसको मेमोरी ऐड कर दिया, मतलब ये आंसर जो है मेरी मेमोरी में ऐड हो चुका है। एम प्लस का मतलब होता है मेमोरी ऐड। नेक्स्ट देखते हैं, फिर उसके आगे कुछ नहीं करना, ना कोई और बटन दबाना है। मेमोरी ऐड करने के बाद अब अपना ऐड का मतलब ऑलरेडी प्लस, फिर नेक्स्ट भी प्लस वाला है, तो 1079.7796 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.0484, और फिर ये आ गया है बटन आपका मेमोरी ऐड, क्योंकि दोनों प्लस के थे, तो ये भी मेरा मेमोरी ऐड हो गया है। और थर्ड क्या है, 0.147576, इसको भी मैंने मेमोरी ऐड कर दिया है, मतलब मेरे तीनों प्लस में है, मैंने तीनों को मेमोरी ऐड कर दिया है, तीनों नंबर ऑटोमेटिकली मेरी मेमोरी में जुड़ चुके हैं। अब टोटल कितना आ गया है, इसको कहते हैं मेमोरी रिकॉल, MRC। इसको दबा दिया तो आ गया मेमोरी रिकॉल, MRC आ गया, मेमोरी रिकॉल। टोटल तीनों का ऑटोमेटिकली प्लस होके ये आ गया, इसको हम लिख लेते हैं, अंडर रूट में आ गया 215.322828। मैं तो पूरा लिख रहा हूं, आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूं। इसके बाद क्योंकि इसका अंडर रूट करना है, तो ये अंडर रूट का साइन है, इसको अंडर रूट कर दीजिए, तो आंसर आ गया 14.67। कितना आ जाएगा, 14.67% मेरा क्या आ गया, रिस्क आ गया। एक छोटा सा पॉइंट शायद मैंने नहीं देखा या मैंने ध्यान नहीं दिया, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, छोटा सा पॉइंट मैंने नहीं ध्यान दिया, मैंने सिर्फ कोवेरियंस देख लिया, आगे परसेंटेज नहीं देखा। ये जो है 0.43, एक्चुअली इसको लिखना क्या चाहिए था मुझे, 0.0043 लिखना था, समझ में आ गया, मेरे को क्या लिखना था, 0.0043 लिखना था। तो आपने क्या करना है, देखो कॉन्सेप्ट समझाना था, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया पूरा, यहां पर जो है 0.0043 कर लेना, सिर्फ इतना कर लेना, मेरे को तो कॉन्सेप्ट बताना था, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया पूरा का पूरा, ठीक है। मैंने अभी देखा है सॉल्यूशन, मेरे को नहीं पता था, मैंने पूरा क्वेश्चन ध्यान से शायद नहीं पढ़ा, तो कोई बात नहीं, 0.0043 करेंगे और कुछ भी नहीं है, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम है। या एक काम करो, मेरे कहने से इस क्वेश्चन में अगर आपको यही क्वेश्चन मेरे वाला करना है, तो इस परसेंटेज को भूल जाओ कि यहां पे कोई परसेंटेज है, बस, तो सेम हो जाएगा आंसर, समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने अभी तक आपको बताया है, ये कॉन्सेप्ट बताया है किस चीज का, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कैसे हम अपना रिस्क और कैसे हम अपना रिटर्न निकालते हैं एक पोर्टफोलियो का, और स्टैट्स के फॉर्मूले कैसे उसमें इम्प्लीमेंट होते हैं। जो फॉर्मूले मैंने बनाए हैं उनको बनाए नहीं है एक्चुअली, जो फॉर्मूले मैंने कन्वर्ट करे हैं, उन फॉर्मूलों को आपको कैसे अप्लाई करना है वो आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद एक मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, जरा ध्यान से समझेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं इसके अंदर एक चीज भी बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पोर्टफोलियो के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने जो कॉरिलेशन के बारे में पढ़ा है, यहां पर उसका इनवर्स रिलेशन चलता है, इनवर्स रिलेशन क्यों चलता है वो भी रीजन समझाऊंगा, ये थ्योरी का पार्ट है वो समझ लेना, क्योंकि हमें इस चैप्टर की थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से करनी है, तो वो भी समझ के चलनी है, ठीक है। चलिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 9.2, 9.2 जरा एक बार देखते हैं फटाफट से। अ पोर्टफोलियो इज कंस्ट्रक्टेड बाय इन्वेस्टिंग 70% ऑफ फंड इन शार्प लिमिटेड एंड 30% इन विलियम लिमिटेड। चलिए वो तो मुझे इन्वेस्टमेंट दे रखे, डब्ल्यू हो गया 0.7 और 0.3 का, लास्ट में है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द टू कंपनीज इन गिवन बिलो, ये मुझे दे रखा है, ये रिटर्न दे रखा है और ये स्टैंडर्ड डिविजन, पहले वाले क्वेश्चनों में भी यही था। अब यहां पर बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन है, 2013 में आया हुआ आप देख सकते हैं, जो मैंने पहला कराया है ये वाला क्वेश्चन, आप देखें यहां पर
दोनों का क्या गिवन था यहां पर? यहां पर दोनों का गिवन था मुझे वेट गिवन था, रिस्क गिवन है और एक्सपेक्टेड रिटर्न। यहां पे कोवेरियंस गिवन था और नीचे मुझे यहां पर कोरिलेशन गिवन है। सिर्फ इतना चेंज है, एक में वन, एक में जीरो, एक में नेगेटिव वन। तो बस जल्दी जल्दी से हम इसको कर लेते हैं और ये बताएंगे हम किस कंपनी की अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा अच्छी है। कंप्यूट द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द अबव। मुझे रिस्क भी निकालना है और रिटर्न भी निकालना है। चलिए तो पहले एक बार रिस्क निकाल लेते हैं। यह है प्रॉब्लम नंबर 9.2, 2013 में हमारे पेपर में आ चुकी है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। वेट है मेरे पास 0.7 का और 0.3 का, और रिटर्न है मेरे पास, अगर हम बात करेंगे 20% की, ये परसेंटेज में है, और 15% की। ठीक है, ये मुझे गिवन है। हमें क्या करना है? W इंटू आर निकालना। देखो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था पॉइंट में निकालकर, यहां पर मैंने इसको पॉइंट में कन्वर्ट किया था और अब मैं यहां पर इसे पॉइंट में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, तो क्योंकि मुझे आपको दोनों ही तरीके से बताना है, इसलिए मैं आपको अब इससे बता रहा हूं। ये और सिंपल हो जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 4.5। समझ में आ गया? इसका टोटल कर दिया तो 18.5% मेरा क्या आ गया? सीधा सीधा रिटर्न आ गया। इसे हम कहते हैं रिटर्न। पहले पॉइंट में आपको सिर्फ यही निकालना था। क्लियर हो गया है? अब इसके आगे देखते हैं। अब मुझे निकालना है इसके बाद कंपनीज का रिस्क। अभी मैं आपको एक बता रहा हूं, अब एक फॉर्म के लिए इसका है ए केस, जब आपके पास कोरिलेशन ऑफ ए बी गिवन है प्लस का वन, प्लस का वन गिवन है, तो क्या करेंगे जरा वहां देखेंगे। रिस्क हो जाएगा मेरा, रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो फॉर्मूला लिखते हैं हम अपना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर वेट ए का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर वेट बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ए वेट बी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी और P, P ऑफ ए बी। ठीक है, कॉरिलेशन ऑफ ए बी, ये मेरा फॉर्मूला होता है। एज पर द क्वेश्चन मुझे क्या क्या दे रखा है? मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 15 और 8%। कितना दे रखा है मुझे? 15 और 8%। तो देख सकते हैं हम यहां पे लिखें 15 का स्क्वायर और W था 0.7 का स्क्वायर प्लस सेकंड हो जाएगा 8 का स्क्वायर और 0.3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट 0.7 0.3, स्टैंडर्ड डेविएशन है 15 और 8, और यहां पर हो जाएगा कॉफिन का कोरिलेशन है पॉजिटिव 1, और इस पूरे का कर दिया मैंने अंडर रूट। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 इंटू में ये हो जाएगा 0.49 प्लस 64 इंटू में 0.09, और प्लस यहां पर हो जाएगा, अगर मैं बात करूंगा तो मल्टीप्लाई तो करना है, 2 इंटू 0.7 इंटू में 0.3, 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3 इंटू 15 इंटू 8, तो ये आ गया 50.4। 50.4 कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कर लेंगे हम। 15 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 0.15 इंटू 0.3, तो आगे 15 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3, तो आ गया 50.4। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करते हैं, अंडर रूट इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 225 इंटू में 0.49, तो ये आ गया 110, 110.25 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 64 इंटू में 0.09, तो आ गया 5.76, 5.76 प्लस में 50.4, प्लस में 50.4 और प्लस में 110.25, तो आ गया 166। एक बार चेक कर लेते हैं।
तो ये आ गया था हमारा, अगर हम बात करेंगे तो 110.25 प्लस 110.25 प्लस 5.76 प्लस 50.4, तो आ गया था 11166.41, अंडर रूट में आ गया 16641, और इसका अंडर रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 12.9, तो आ गया 12.9, ये आ गया रिस्क ऑफ ए फॉर्म का आ गया। अब बेटा इस त्रिपाठी की बहुत ही कृपा है आपके ऊपर, मैं तो खैर क्या कर सकता हूँ, इस त्रिपाठी ने भी बच्चों को दुखी कर दिया है और आपको भी करेगा, जरूर करेगी त्रिपाठी, ध्यान से समझेंगे। इस बुक के अंदर मैंने पहले भी बताया था, म्यूचुअल फंड जब मैंने आपको कराया है तब भी मैंने आपको बताया था और अब फिर बता रहा हूं, इस बुक के अंदर मिस्टेक्स हैं, उस मिस्टेक का मैं बार बार रेक्टिफाई कराता हुआ थक जाऊंगा, कुछ इलाज है। यहां साफ साफ मेंशन है स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 8%, और जब आप अपना आंसर देखेंगे तो यहां पे इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन कितना कंसीडर कर लिया, वाई का 18%, 8 को अपने आप 18 कर लिया। मैं तो क्या बोलूं, अब आप समझदार है, ठीक है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता सकता हूं, मैं ठीक नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है, मेरे सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, जो मिस्टेक है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्लियर हो गया है। या तो इसको अब 18 कर लो या फिर इसे काट के 8 कर लो और मेरे वाला आंसर लिख लो, अब आपकी मर्जी है। एक तो मेरे पास क्या है, या तो एक क्वेश्चन मैंने आपको 8 से करा दिया है, ये वाला मैंने 8 से करा दिया आपको, अब अगला मैं आपको 18 से करा देता हूं पॉइंट, तो एक बात है, तो मैं आपको ये है 8 और पीछे उन्होंने कंसीडर कर लिया 18, अब आप समझदार है कि मेरा आंसर तो गलत आएगा ही आएगा, क्योंकि बुक वालों की गलती के कारण हमें भुगतना पड़ता है, बट कोई बात नहीं, चलिए कोई कोई बात नहीं। अब हम आगे चलते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप ठीक कर लेना इसे, ये फॉर्म ए का समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं बी पॉइंट, बी पॉइंट में आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है, या फिर आप कहें कॉरिलेशन, कॉरिलेशन ऑफ ए बी वो दे रखा है 0। अब कॉरिलेशन ऑफ, अगर ए बी 0 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, जरा वो देखते हैं कॉरिलेशन, यहां पे ध्यान से समझना, मेरे पास है, अच्छा अब मैं सेकंड पॉइंट जो करा रहा हूं वो 18 मान के करा रहा हूं, याद रखना मैंने जो रिस्क लिया है ए का और बी का वो पहले लिया था 15 और अब 18 ले रहा हूं, 8 वाले को 18 कर दिया है मैंने, ठीक है, ताकि आपको बुक से आंसर टैली कर सको। देखो मुझे टैली नहीं करवाना आंसर, पहले मैं आपको बता दूं, मेरा काम बुक के आंसर से टैली करवाने का नहीं है, मेरा काम कॉन्सेप्ट सिखाने का है, कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वेयर वेट ए का स्क्वेयर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वेयर वेट बी का स्क्वेयर प्लस 2 × वेट ए वेट बी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी और कॉरिलेशन ऑफ ए बी, ये मेरा फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, वैल्यू पुट करता हूं, बस बार याद रखना, मैं अपना स्टैंडर्ड डेविएशन जो मान के चल रहा हूं वो मैं 8 के बदले 18 मान रहा हूं, ताकि एक पॉइंट आपको मैं करा सकूं, इसके मुझे तीनों कराने हैं, इसलिए समझ लेना। यहां पर है 15 का स्क्वायर इंटू 0.7 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर इंटू 0.3 का स्क्वायर प्लस 2 × 0.7 × 0.3 15 18 और मल्टीप्लाई बाय 0, और इस पूरे का करना है मुझे अंडर रूट, ये तो 0 ही हो गया सारा, हम बात करेंगे सिर्फ यहां पर 15 का स्क्वायर हो गया 225 और ये हो गया इंटू 0.49, यहाँ पे प्लस 18 का स्क्वायर हो गया 324 और आगे 0.09 और ये प्लस में 0, बात खत्म, क्योंकि 0 है। अब क्या हो जाएगा 225 × 0.49, तो ये आ गया 110, 110.25 प्लस 324 × 0.09, तो आ गया 29.16, 29.16 ये आ गया, मुझे क्या करना है प्लस कर दूंगा 110.25 और ये आ गया 139.41,
139.41 और इसका अंडर रूट किया और इसका अंडर रूट कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 11.8। ये आ गया 11.8, ये मेरा आंसर आ गया सेकंड। ये रिस्क है बी का, बी पोर्टफोलियो का, क्लियर हो गया। अब हमने थर्ड देखना है क्योंकि मेरा आंसर जो मैं सिखाना चाह रहा था वो गड़बड़ हो जाएगी, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बुक से समझा दूंगा तीनों पॉइंट को तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा था। थर्ड वाले में क्या करना है मुझे, जरा थर्ड वाले समझ लो। थर्ड वाले के अंदर हमारा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी का सी पोर्टफोलियो है। फॉर्मूला तो मैंने आपको लिख ही दिया, सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूं सी के अंदर। 15 का स्क्वायर इंटू 0.7 का स्क्वायर प्लस पॉइंट या 18 का स्क्वायर इंटू में 0.3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 15 इंटू 18 इंटू 0.7 इंटू 0.3 और इंटू में -1 क्योंकि यहां पर मुझे पी ऑफ ए बी कॉरिलेशन ऑफ ए बी दे रखा है -1। तो रिस्क देखना है क्या होगा। अच्छा मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जब आपके पास कॉरिलेशन नेगेटिव में जितना ज्यादा होगा, मतलब जितना ज्यादा मतलब लास्ट लिमिट -1 की है, अगर आपका कॉरिलेशन -1 है तो आपकी कंपनी सबसे अच्छी है, ये याद रखना है। यहां पर इनवर्स रिलेशन चलेगा, क्यों चलेगा वो समझ लो, क्योंकि अगर मेरा कॉरिलेशन सबसे कम होगा इसका मतलब दोनों के बीच में जो बाउंडिंग है, दोनों के बीच में जो रिलेशन है फर्म्स के बीच में, उसमें रिटर्न सबसे कम आएगा। अब आप कहेंगे सर रिटर्न सबसे कम में सबसे अच्छा कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर रिटर्न सबसे ज्यादा आएगा +1 पर, और रिटर्न सबसे ज्यादा कब आता है, जब रिस्क सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि मैं रिस्क जितना ज्यादा लूंगा उतना ज्यादा रिटर्न आने की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होगी, तो मुझे उतना ही ज्यादा रिस्क बियर करना पड़ेगा। तो मैं क्या कहता हूं कि कॉरिलेशन जितना कम होगा इसका मतलब रिस्क उतना कम होगा और रिटर्न भी उतना कम आएगा। तो रिटर्न कम आ रहा है बट रिस्क नहीं है, तो एक इन्वेस्टर यही चाहेगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिस्क ना हो चाहे रिटर्न कम हो। इसीलिए आज भी हम सबसे ज्यादा पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं शेयर मार्केट से। समझ में आ गया, चलिए अब आगे देखते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना है, ये तो आ जाएगा 225 इंटू में 0.49, यहां आ जाएगा प्लस 324 इंटू में 0.09, माइनस हो जाएगा यहां पर अगर मैं इसको करूंगा तो 2 into 15 into 18 into 0.7 into 0.3, तो आ गया नेगेटिव का 113.4। अगर बाय चांस मेरी कैलकुलेशन मेरी गलत हो जाए तो आप ठीक कर लेना, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करूंगा। 225 इंटू में कर रहा हूं 0.49 से, तो ये तो अभी हमने कर ही लिया दो बार। 110.25 प्लस ये मैंने पीछे लिखा था इसका टोटल, इसका आया था 29.16 और -113.4 इसका ये आ गया। अब कितना आ जाएगा यहां पे देखेंगे, प्लस 29.16 और -113.4 तो आ गया 110.25 इंटू में 29.16 -113.4 तो कितना आ गया, क्या हो रहा है यार, 110.25 प्लस 29.16 और -133.4 तो ये आ गया 26.01 और इसका रिस्क अंडरवुड कर दूंगा तो आ जाएगा 5.1। ये आंसर आ गया रिस्क ऑफ सी। आप देख सकते हैं तीनों के अंदर, अब मैं आपको दिखा रहा हूं आपकी बुक से एक बार, क्योंकि मेरा तो आंसर कुछ गड़बड़ हो गई है क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक थी। तो यहां देखेंगे हम, अगर हम बात करेंगे पहले वाले का रिस्क आया है परफेक्ट कॉरिलेशन पे, मैंने बताया था उसका आ गया 10.1। सबसे ज्यादा रिस्क भी पॉजिटिव कॉरिलेशन पर होगा, अगर मेरा कॉरिलेशन 1 है, यहां पे आप देख भी ले, अगर 1 है तो रिस्क सबसे ज्यादा है, 0 है तो उससे थोड़ा सा कम है, और अगर -1 चला जाएगा तो सबसे कम चला जाएगा 5% पर। समझ में आ गया। तो अगर हम बात करें विच वन इज बेटर इन केस ऑफ रिस्क, तो हम सबसे कम वाले को सबसे अच्छा बताएंगे, और अगर रिटर्न की बात करूंगा तो जिसका रिटर्न सबसे ज्यादा होगा वो सबसे अच्छा हो जाता है, ठीक है, बट हम रिस्क को मैटर करते हैं याद रखना।
तो आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास ये वाली तो खत्म होती है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो मेरे से डिस्कस कर सकता है, मेरा नंबर आपको पता ही है, आपको सामने फ्लैश कर रहा है। चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ। जितना पढ़ाया है वो जरूर प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि आगे आपको ये तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, आगे आपको और फॉर्मूलोज की जरूरत पड़ेगी। तो आज के लिए क्लास यहीं पर समाप्त।